वीडियो में जो हम सीखने जा रहे हैं वो है मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। सबसे पहले हम मेमोरी की तरफ आते हैं। कंप्यूटर मेमोरी जो है ये एक फिजिकल डिवाइस है, मींस के ऐसी डिवाइस जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, एक फिजिकल डिवाइस है कंप्यूटर मेमोरी, तो जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की फर्दर टू टाइप्स हैं, वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो डाटा को या इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है जब तक उसे पावर सप्लाई मिलती रहेगी, जबकि नॉन वोलाटाइल कंप्यूटर मेमोरी जो होती है ये डाटा या इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है चाहे पावर सप्लाई प्रोवाइडेड हो या ना हो। तो ये जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ये जो डाटा या इन्फॉर्मेशन होती है उसे परमानेंटली स्टोर कर देती है, जबकि ये वोलाटाइल मेमोरी टेम्प्रेरी तौर पर डाटा को स्टोर ये करती है। सबसे पहले वोलाटाइल मेमोरी की तरफ आते हैं। वोलाटाइल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है या प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है, और डिवाइस विच होल्ड्स द डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट। जब तक पावर सप्लाई कनेक्टेड रहेगी डिवाइस के साथ या फिजिकल डिवाइस के साथ, तो वोलाटाइल मेमोरी डाटा को होल्ड करेगी या इन्फॉर्मेशन को होल्ड करेगी। इट्स बेस्ट एग्जाम्पल इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को शॉर्ट फॉर्म में रैम लिखा जाता है, ठीक है, आप इधर तक क्लास में इसको करें। नॉन वोलाटाइल मेमोरी जिसको सेकंड स्टोरेज भी कहा जा सकता है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो डाटा को होल्ड करती है इवन पावर सप्लाई उसे कनेक्टेड भी ना हो। अगर एक मरतबा डाटा स्टोर कर दिया हुआ नॉन वोलाटाइल मेमोरी के अंदर, तो अगर पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो फिर भी वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी उस डाटा या इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखेगी। मीन्स के नॉन वोलाटाइल मेमोरी में हम परमानेंट डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जबकि वोलाटाइल मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ हम टेम्प्रेरी डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी की बात करें इसकी एग्जांपल की, तो हार्ड ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड्स एग्जांपल्स हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी के। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी को यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तस्वीर में भी आप देख सकते हैं ये वोलाटाइल मेमोरी है रैम, जबकि ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जो कि हार्ड डिस्क है। आई होप आपको क्लियर होगा कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी में क्या डिफरेंस है। अगर आपका इस वाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।